91 में दिया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, हमें निकालना है 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, फिर 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, ऐसे कर करके 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तक। अगर हम आपसे पूछे कि टोटल कितना टर्म्स है इसमें, तो आपका आंसर होना चाहिए 100, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है। अभी हम कुछ करने वाले हैं, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर को एक साथ लिखा, फिर 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर को एक साथ लिखा, 96 स्क्वायर माइनस 95 स्क्वायर को भी एक साथ लिखा, ऐसे कर करके 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को एक साथ लिखा। क्या आएगा देखिए, ये तो 199 आ गया, यहां से आपको मिलेगा 195, 8 7 15, ठीक है। हाँ, फिर यहां से मिलेगा 191, ये कहां तक जा रहा है, 1 तक, 1 नहीं, 2 प्लस 1 3 तक, ठीक है। डिफरेंस सबका 1 है, तो हमें केवल सम ही देखना था। अगर हम आपसे पूछे कि अभी टोटल कितना टर्म्स है, पहले 100 था, दो दो को मिला के एक टर्म हमने बनाया है, तो 50 टर्म्स हो गया, है ना। और इसमें जो है आप एपी देखेंगे, एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, तो अगर आप इंक्रीजिंग एपी लिखिए, डिक्रीजिंग एपी लिखिए, उससे फर्क तो नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली ऐसे भी तो सम निकाल सकते हैं ना। एपी में अगर है तो सम क्या हो जाएगा, एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, तो एन का वैल्यू 50 है, 50 बाई टू, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 199, लास्ट टर्म है 3, सो 50 को हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5050। ये क्वेश्चन तो सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट पे अगर हम आए, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 8x प्लस 8 बाई एक्स, इसका वैल्यू है माइनस 2, कहने का मतलब x प्लस 1 बाई एक्स हो गया माइनस 2, तो भाई मेरे x का वैल्यू माइनस 1 होगा। अगर x का वैल्यू माइनस 1 होगा तो x टू दी पावर 197 प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 197, इसका वैल्यू भी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में तो 2 दिया है, इसका मतलब हुआ स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, हमें देखना था कौन सही है, ओनली स्टेटमेंट 1। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, यहाँ पे आपको सारे बेस्ट पीआईक्यू का सॉल्यूशन डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू।